आज हम आपके लिए लाए हैं प्रबोधनी एकादशी महात्म्य, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब ही तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्य है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान महापाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, यह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ है। इसीलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गो के दान का फल मिलता है।
जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करके एक सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें सातों दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, वे उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन से समय व्यतीत करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं अथवा कीर्तन करते हैं या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1,000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदंब पुष्प से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं की पूजा करने वाले भगवान कदंब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदंब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक पाते हैं। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण के कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गो और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भूरिये सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुएं सहित शैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य
कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते उन्हें उपाहन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चातुर्मास्य व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हुए पढ़ते हैं उन्हें अनेक गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री राधे।